तो दोस्तों आज मैं जो कंटेंट बताने वाला हूँ उस कंटेंट पे काम करके एंड यहाँ पे आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट देख सकते हो 596 मिलियन 318 मिलियन 316 मिलियन 312 मिलियन 311 मिलियन 298 मिलियन मतलब कि यहाँ पे 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन से ज़्यादा व्यूज यहाँ पे इस प्रकार के कंटेंट पे आया है। एंड नीचे मैं करता जाऊँ तो आप लोग देख सकते हो मिलियन तो छोड़ो 100 मिलियन से ऊपर यहाँ पे इतना तक व्यूज गया है इस चैनल पे पॉपुलर पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को इस चैनल बता दूँ तो ये चैनल के बारे में तो आप लोग देख सकते हो मात्र 203 वीडियो अपलोड किया है एंड 10.1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर चुका है। एंड यहाँ पे ये चैनल में बढ़िया से लोगो भी नहीं लगाया गया है एंड इसका चैनल मोनेटाइज है अर्निंग भी कर रहा है। तो आप लोग भी कैसे इस प्रकार के कंटेंट को अपलोड करके इस प्रकार के कंटेंट को बना करके एंड अपने चैनल पे इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो एंड यहाँ पे मतलब आप लोग इतना ज़्यादा व्यूज गेन कर सकते हो यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कहाँ से आप लोगों को इस प्रकार का कंटेंट लाना है एंड कैसे एडिटिंग करके आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कोई एक वीडियो प्ले करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो को प्ले किया हूँ तो आप लोग देख सकते हो ये एक जो छोटा सा बच्चा था उसको कुछ हानि हो गई थी मतलब चोट लग गई थी तो उससे बचने के लिए एक छोटा सा गैजेट बताता है। इस गैजेट को आप लोग परचेज करके एंड इस मतलब कि हादसे को रोक सकते हो एंड उसके नीचे जाएं तो ये एक गैजेट है जिससे मतलब खाना बनता है ये खाने की कोई चीज़ है। उसके बाद ये ऐड आ गया मैं और आप लोगों को बता दूं कोई दूसरा वीडियो तो ये जो वीडियो है इसमें भी एक गैजेट का उपयोग करके एंड आगे जब वीडियो बनेगा तो गैजेट का उपयोग करके यहाँ पे मतलब ये गैजेट बता रहा है। तो मतलब कोई आप लोगों को मैं बताना चाहूं तो बता दूं कि एक वस्तु का उपयोग करता है हर एक वीडियो में कोई कोई एक नया वस्तु आता है उसको मतलब बताता है कि इस वस्तु को मतलब ऐसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना होगा वस्तु नहीं लेना है आप लोगों को बस ऐसा ही वीडियो को ले करके एंड एडिटिंग करके अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वीडियो लेना है वो ले सकते हो इसी चैनल पे या फिर आप लोग कहीं से भी आप लोग वीडियो ले सकते हो इस प्रकार का वीडियो बस रहना चाहिए। तो ये चैनल पर आप लोगों को वीडियो काफ़ी सारा मिल जाएगा वायरल वीडियो मिल जाता है तो आप लोगों को ले लेना है। एंड वीडियो लेने के बाद आप लोगों को और कुछ करना चाहो तो मतलब वीडियो ले लेना है। वीडियो लेने के बाद मैं आप लोगों को एडिटिंग बता देता हूं। तो एडिटिंग ऐसे करना है ताकि कॉपीराइट क्लेम नहीं आए कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आए एंड आप लोगों का जो चैनल है वो भी मोनेटाइज हो अर्निंग भी हो। तो सबसे पहले आप लोगों को क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे शॉर्ट का ये रेशियो है सेकंड में उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को जो आपने वीडियो को डाउनलोड किया है मतलब लिया है कॉपी किया है उसे यहाँ पे ला करके इंटर कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो आप लोगों को ये वाला वीडियो मतलब मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर जहाँ से मैं बताया हूँ वहाँ से आप लोगों को वीडियो ले लेना है एंड वीडियो लेने के बाद आप लोगों को यहाँ ला लेना है वीडियो को एंड वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एडिटिंग करना है जो मैं स्टेप आप लोगों को बताऊँगा वैसे ही आप लोगों को एडिटिंग करना है। तो सबसे पहले वीडियो को आप लोगों को क्या करना होगा साउंड को ऑफ कर देना है। साउंड ऑफ करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा साउंड से ही मेन प्रॉब्लम आती है तो साउंड को ऑफ कर दें तो साउंड को जगह पर थोड़ा सा वॉइस ओवर कर लेना होगा क्योंकि अगर आप वॉइस ओवर करोगे तो आप लोगों के वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज आएगा अगर आप वॉइस ओवर नहीं करोगे तो व्यूज थोड़ा कम आ सकती है। तो सबसे पहले वॉइस ओवर करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं क्लिक कर देता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों को वॉइस ओवर कैसे करना है जिस प्रकार से वीडियो रहेगा उसी प्रकार से आप लोगों को वॉइस ओवर करना होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो को प्ले करके बता दूँ कि ये बंदा जो है सोते सोते रोटी बना रही है तो आप लोगों को ऐसा ही मतलब वॉइस ओवर करना है। तो मैं स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये बंदी सोते सोते एक रोटी बना रही है किस प्रकार से यहाँ पे रोटी बन जाता है। तो आप लोग भी ऐसा गैजेट खरीद करके आप लोग भी रोटी बना सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो मेरा वॉइस ओवर कंप्लीट हो गया एंड अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहो तो लगा सकते हो यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक एंड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लगा लेना है। लगाने के बाद आप लोगों का वीडियो का आवाज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है बहुत ही बढ़िया हो गया है एंड अब आप लोगों को इस वीडियो को थोड़ा सा चेंज करना है ताकि कॉपीराइट क्लेम नहीं आए। तो आप लोगों को सबसे पहले आ जाना है एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पे देख सकते हो कॉन्ट्रेस्ट है ब्राइटनेस वगैरह है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके आप लोगों को सिंपल एडजस्ट कर लेना है एंड उसके बाद इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो
यहाँ पे वीडियो मेरा चेंज हो चुका है। एंड चेंज होने के बाद अब आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे कॉर्नर में शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों का एडिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है, और कुछ एडिटिंग करना चाहो तो कर सकते हो। आप लोग अपना वीडियो को और काफ़ी इंगेजिंग बना सकते हो, ताकि ऑडियंस लोग अच्छा प्यार दुलार दे आप लोगों के वीडियो पे। तो इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कॉर्नर में शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक बढ़िया रेजोल्यूशन देख लेना है। एंड उसके बाद सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का वीडियो सेव हो जाएगा, एंड अब इसी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि कैसे आप लोग भी इस प्रकार का वीडियो बना करके एंड मिलियन में व्यूज अपने चैनल पे ला सकते हो, एंड इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो इतना कम वीडियो में, आप लोग भी इतना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो आप लोग इस प्रकार से कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, एंड वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सिलेक्ट कर देना। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।